बढ़ते हैं। मालवा के दौरे पर राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंदसौर में भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन किए। सिंधिया ने पशुपतिनाथ की पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। उन्होंने कहा कि मंदिर का कलश दादी ने 50 साल पहले यहां खुद आकर स्थापित किया था। उन्होंने किसानों की तरक्की की कामना भगवान से की है। इस दौरान सिंधिया ने मीडिया के राजनीति से जुड़े सवालों को टालते हुए कहा कि मंदिर और खेल के मैदान में राजनीति नहीं होना चाहिए। इसके पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सिंधिया को काले झंडे दिखाए और काले गुब्बारे छोड़कर प्रदर्शन किया। पुलिस ने विरोध कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। तो राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया मालवा दौरे पर हैं। इसी कड़ी में कल वे उज्जैन में भगवान महाकाल के दर्शन कर आशीर्वाद लेंगे, जिसके बाद बीजेपी के संभाग कार्यालय लोक शक्ति भवन जाकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। फिर कोरोना में दिवंगत हुए बीजेपी नेताओं के घर जाकर शोक संवेदना व्यक्त करेंगे। इस दौरान सिंधिया बीजेपी जिला अध्यक्ष विवेक जोशी के घर पौधारोपण भी करेंगे। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का कल उज्जैन दौरा है। सबसे पहले बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचेंगे, पूजन अर्चन करेंगे, आशीर्वाद लेंगे। उसके बाद बीजेपी कार्यालय पर आएंगे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को माल्यार्पण कर ये ऊर्जावान जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनको संबोधित करेंगे। उसके बाद जो कोरोना संकट काल में बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता थे उनके यहाँ कुछ जो कोरोना के कारण दिवंगत हो गए थे उनके यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित करने जाएंगे। आखिरी में जो कार्यक्रम है बीजेपी के जिला अध्यक्ष विवेक जोशी के यहाँ पौधारोपण करेंगे। तो हमारे साथ इस समय बीजेपी के अध्यक्ष विवेक जी हैं। विवेक जी, कल सिंधिया जी का दौरा है, क्या क्या प्रोग्राम रहेंगे, किस प्रकार वो आपके यहाँ आएंगे? माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी उज्जैन पधार रहे हैं। वो 10 बजे उज्जैन शहर में प्रवेश करेंगे। सर्वप्रथम वो महाकाल मंदिर के दर्शन करेंगे। वहाँ के निकलने के पश्चात हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष जो कि पूर्व मेयर दिवंगत हो गए राधेश्याम जी उपाध्याय जी, उनके निवास पर पहुँचेंगे और वहाँ से अन्य कार्यकर्ता जहाँ पे जो दिवंगत हुए या जैसे प्रीति भार्गव जी उनकी माता जी दिवंगत हुई उन लोगों के यहाँ पहुँचेंगे। फिर युवाश उपाध्याय जी की माता जी दिवंगत हुई वहाँ भी जाएंगे। पर बीच में भारतीय जनता पार्टी का चूँकि कल डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती भी है, इस जयंती के अवसर पर हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ उनका उद्बोधन सुनने का, तो कार्यालय पर एक कार्यक्रम रखा गया है माल्यार्पण का और उद्बोधन का, उसे वो संबोधित करेंगे। उसके पश्चात वो मेरे निवास पर पहुँचेंगे, वहाँ पर पार्क में पौधारोपण होगा और जलपान वगैरह के बाद में वो सीधे देवास के लिए निकलेंगे। बिल्कुल, अध्यक्ष जी का यही कहना है कि सिंधिया जी का जो दौरा है वो प्रोटोकॉल के तहत ही रखा गया है और जिस प्रकार कोरोना का संकट काल चल रहा है उसके अंतर्गत बीजेपी कार्यालय में भी अगर आते हैं उसके बाद माल्यार्पण का और जो कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे तो भी गाइडलाइन का पूरी तरीके से पालन कराया जाएगा। जो भी कार्यकर्ता यहाँ संबोधित सिंधिया जी का सुनेंगे उनको दो दो गज की दूरी के साथ मास्क का उपयोग अवश्य करना होगा। उसके बाद ही हम कार्यकर्ताओं को बीजेपी कार्यालय में अंदर प्रवेश देंगे। गगन परियार के साथ संतोष कृष्णानी, बंसल न्यूज़।